बहन और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा के दो चरण संपन्न हो चुके हैं, कल तीसरे चरण का मतदान होगा। अब तक के दो चरण 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं और देश के अंदर जो रुझान है वे रुझान बताते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। लोग जहां कहीं भी जाओ एक ही बात कहते हैं, मोदी सरकार लाने के लिए लोगों के मन में एक नई उत्सुकता है। और ये अचानक नहीं है बहन और भाइयों, पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत में जो परिवर्तन करके मोदी जी ने दिखाया है, इसके प्रति आम जनमानस के मन में एक सम्मान और श्रद्धा का भाव है और हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, देश के अंदर भारत का वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने का मामला हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो या फिर बड़े बड़े विकास के परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। 2014 और 2014 के पहले और 2014 के बाद के कार्यों की अगर हम तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा।